हमने अपना सब कुछ त्याग करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, लेकिन अब सरकार नहीं दे रही बच्चों की पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उनको नौकरी। छोटी छोटी तनख्वाह से गुजारा करने के लिए आज का युवा है मजबूर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी समस्या और समाधान को लेकर हमारी टीम ने कुछ लोगों से बात की, जिसमें गृहिणी, टीचर, छात्र सभी शामिल थे। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। आज बात होगी बेरोजगारी की लेकर। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन के बाद वो ये चाहते हैं कि हमारी जो भी क्वालिफिकेशन है हमारी या हमारे बच्चों की, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी क्षमताओं का अगर सरकार पूरा इस्तेमाल करे तो निश्चित रूप से हम इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड प्राचार्य हैं। मैं बात यहीं से शुरुआत करूँगा। आपको क्या लगता है कि बच्चों को जिस तरीके से आप लोग शिक्षा देते हैं उस तरीके से वो आगे जाके बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं? अगर नहीं तो क्यों? लोग जो शिक्षा दे रहे हैं तो बेहतर काम का अवसर नहीं मिल पाता है बेचारे। जैसे पढ़ाई करने के बाद उनको भटकना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करे सरकार और प्रयास करे कि मैंने उनको मैंने अवसर मिल जाए। अब जैसे आपको एक उदाहरण बताएं कि जापान में जो भी विद्यालय है या कॉलेज हैं उससे लगी फैक्ट्रियां रहती हैं, या जो भी सिस्टम वो सिखाते हैं तो वो लोग काम वहाँ करते हैं, इसलिए जापान का माल जो है अन्य देशों की अपेक्षा सस्ता होता है। तो ऐसे हम लोगों को भी इंटेलिजेंट लड़के जैसे IIT में कानपुर या रुड़की वहाँ लोग बना लेते हैं। तो इस तरह से पूरे एजुकेशन के साथ साथ ऐसा भी काम सिखाना चाहिए बच्चे, एजुकेशन के साथ ऐसा काम सिखाना चाहिए जिससे वो बच्चे जब रोजगार पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार करने जाए तो उनके पास अपने हाथ में रोजगार हो। क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए बदलाव? बदलाव यही होना चाहिए सर कि रोजगार मिले। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, चैन किसी दिन बलात्कार लड़कियों के साथ घूमना रोडों में, गलत बातें करना, तो रोजगार अगर देंगे तो हो सकता है कि बच्चों में सुधार आए, फालतू घूमेंगे नहीं। और अति शिक्षक में नौकरी देते हैं, 5,000 की नौकरी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सरकार को फायदा है, क्योंकि 60,000 रुपए मास्टर ले रहे हैं, उनको रिटायर करके अति शिक्षकों में रख रहे हैं, तो सरकार अपने फायदे के लिए काम कर रही है। सरकार अपने फायदे के लिए काम कर रही है, सरकार ये चाहती है कि उसका कब तो क्या ये माना जाए कि सरकार भी एक बड़े उद्योगपति की तरह काम कर रही है? जी सर, ये माओ की एक जो इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं होती। बच्चों को पढ़ाया जाता है, माँ कितनी मेहनत करती है, लेकिन क्या है, बच्चे सफल नहीं होते तो माँ को दुख लगता है। जैसे कि आपने कहा कि आपने अपनी पूरी उम्र अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खपा दी, आज वो लड़के पढ़ लिख कर हाईली क्वालिफाइड आपने बच्चों को कर दिया। अब जब बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा है, तो सरकार जो भी इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनसे उन जिम्मेदारों से क्या कहना चाहती हैं? सर अब हम क्या कहें, अब तो ये उनको समझना चाहिए जो आगे हैं उनको, मतलब हम लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने वालों को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब हाँ बताइए। हाँ, नहीं सर, आप यूथ हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हमने अपने बच्चों को बेहतर परवरिश दी, माँ बाप का काम है बेहतर तरीके से बच्चों को परवरिश देना, पढ़ाई लिखाई कर दी, अब रोजगार नहीं है तो किस तरीके से अब आपके मन में कुंठा, क्या समस्या? सर मैं एज ए युवा यही बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमारे पीछे खर्च करते हैं और एक निश्चित समय के बाद उनको एक आशा होती है कि हमारा बेटा भी मुझे वो आउटपुट दे, उनकी जो उन्होंने जीवन में दुख किया है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे से वो सुख की भी प्राप्ति हो। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया, तमाम तरीके के कष्ट उठाए, आज हम इस काबिल हो गए कि हमने जितनी भी शिक्षा ले सकते थे उतनी ले ली, अब हमको काम नहीं मिल रहा। इस तरीके से क्या लगता है आपको किस तरीके से मानसिक पीड़ा होती है जब खास तौर से जब अपने पेरेंट्स को आप देखते हैं? सर क्या होता है कि जैसा कि आप भी देख रहे हैं गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा शिक्षा की नीति खराब हो चुकी है,
अब आप जैसे देखिए सरकारी नौकरियां एकदम बंद कर दी गई, लड़का पढ़ लिख के बेचारा तैयारी कर रहा है, मतलब करीब करीब आप मान के चलिए कि 21-22 साल की उम्र में वो ग्रेजुएशन कर लेता है, फिर उसके बाद वो तैयारी करने के लिए कोशिश करता है, 3-4 साल तैयारी करता है, इतने में वैकेंसी नहीं आती, ओवरेज हो जाते हैं। और कहीं अगर प्राइवेट नौकरी की बात की जाए, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में अंतर किया है, टेक्निकल करने के बाद लोगों को जैसे यहाँ पे सोलर प्लांट खुला है बंटवार में। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि आप पहले अपना नाम बताइए, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुशील चतुर्वेदी नाम है, क्वालिफिकेशन टेक क्वालिफिकेशन है। एमटेक करने के बाद आपने कई जगह कोशिश की होगी जॉब की, कहीं जॉब नहीं मिला? नहीं, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ के जितने भी लोकल प्लांट हैं, मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और यहाँ पे जितने भी लोकल प्लांट हैं, जेपी हो या सोलर प्लांट हो, या यहाँ तक कि मैंने थोड़ी सी नेतागिरी भी सिफारिश करवाई, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीनी हकीकत यही है, साफ तौर से जो शख्स हमारे साथ मौजूद था जिसने कहा कि एमटेक करने के बाद भी मैंने सिफारिश भी करवाई लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला, कहने के लिए तो यहाँ बहुत सारे सीमेंट के कारखाने हैं, जॉब लोकल लोगों को नहीं मिलता, यहाँ पर सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा संयंत्र लगा फिर भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये 100% बात सही है कि यहाँ की बात नहीं कर रहे, अपन हर जगह की बात करते हैं कि हर जगह बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बट वहाँ पे भी लोग इंजीनियरिंग किए हैं, एमटेक किए हैं, पीएचडी किए, बहुत अच्छे बड़े बड़े डिग्री लेकर बैठे हैं, बट उनको किसी भी डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर की नौकरी मिलती है, एक गिट्टी धोने की नौकरी मिलती है। अब जो इंजीनियरिंग करके बैठा है वो कैसे 5,000-10,000 की नौकरी करेगा? या तो वो सब से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेगा या उसके माँ बाप हताश होकर के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। माँ बाप हताश होकर ज़िंदगी ख़त्म कर, क्या बोलेंगे आप पहले बताइए। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे देखा जाए तो सुशील सर हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, और मैं उनका चेला हूँ, मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं खुद बीटेक किया हुआ हूँ, तो मैंने जॉब की है, लेकिन ये चीज़ देखी है कि अगर मैं बीटेक इंजीनियर हूँ बट मुझे वहाँ जॉब जो दी जा रही है आईटी सेक्टर आईटीआई वालों की दी जा रही है, तो मेरी इतनी क्वालिफिकेशन के बाद मैं वो जॉब तो करने नहीं। काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि हमने जो भी क्वालिफिकेशन की है उसके हिसाब से या तो हमें जॉब मिलती नहीं, मिलती है तो हमने बी किया तो हमें आईटीआई की जॉब मिलती है। मैम अभी कह रही थी कि पढ़ाई बच्चों को पढ़ा दिया, जब बेहतर जॉब नहीं मिलेगा तो सड़क में घूरेगा, सड़क में घूमने का सीधा सा मतलब है आवारागर्दी करेगा, चाहे वो हमारा बेटा हो चाहे आपका बेटा हो। सबसे बड़ी समस्या, हमने अगर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सरकार अगर डिग्री अलग अलग देती है तो उस डिग्री के हिसाब से बच्चे जब क्वालिफाइड होते हैं तो उनको जॉब मिलना चाहिए। इस तमाम लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी। हम लगातार ऐसे ही शिक्षित बेरोजगारों से बात करते रहेंगे, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उनकी जो समस्या होगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।